तो अब ये जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन दोनों टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया हुआ है। क्वेश्चन वैसे आसान है, पर मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। क्लोजर द मास, लार्जर इज द टेंशन। और जो अभी हम रिजल्ट्स डिराइव करेंगे उनको याद रखने से एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आने पर वो आपसे शॉर्टेस्ट टाइम में सॉल्व हो जाएगा, आप ऑप्शन तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे, गलती नहीं होगी। तो आप ध्यान से सुनेंगे। थ्री बॉल्स ईच ऑफ मास 100 ग्राम टाइड विद द स्ट्रिंग्स ऑफ 1 मीटर लेंथ एज शोन। ये हैं वो तीन बॉल्स 100 ग्राम ईच, और ये तीनों स्ट्रिंग्स हैं 1 मीटर लेंथ की। आगे बोल रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ आउटर मोस्ट बॉल इज 6 मीटर पर सेकेंड। आउटर मोस्ट बॉल M3 की लीनियर स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट टेंशंस इन द स्ट्रिंग। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इस रस्सी में सबसे ज्यादा टेंशन आएगा। हम सब इसमें टेंशन है T1, इसमें T2, इसमें T3। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा है कि रस्सी में जब भी टेंशन शो करना होता है इस तरह के इनवर्ड एरोज हम लगा देते हैं, क्योंकि हमने इसको इस तरह रटा था। नो वन लाइक्स टेंशन, मतलब हर मास टेंशन को अपने से दूर रखता है। जैसा M3 से ये दूर है T3, M2 से भी, इधर M2 से दूर ये टेंशन, M1 से दूर। तो टेंशन दूर रखने के लिए ऐसे इनवर्ड एरोज उन स्ट्रिंग्स पर हम लगा देंगे। फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे M1, M2, M3 का। स्टार्ट हम करेंगे M3 से। उसके पहले सर्कुलर मोशन ये किस तरह की है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि यहाँ बोला कुछ भी नहीं है, मान लेंगे स्पीड कांस्टेंट है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही होती है तब टेंजेंट की डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं होता, पर सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, MV² / R। ये लीनियर स्पीड की टर्म्स में, और या फिर आप लिख सकते हैं इसे MR ω², क्योंकि V = होता है R ω, तो MR ω² ये फोर्स एक्ट करना चाहिए। अब M3 का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले M3 पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है T3, और T3 ये रोल प्ले करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स वो नेचर का फोर्स नहीं है, कोई फोर्स उसका रोल प्ले करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। जैसे यहां टेंशन ने सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करना है, तो T3 इज इक्वल टू कितना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इन तीनों पार्टिकल्स की लीनियर स्पीड्स अलग अलग होंगी, क्योंकि वो अलग अलग रेडियस के सर्कल्स में रिवॉल्व हो रहे हैं, पर सबका ओमेगा सेम होगा। और ओमेगा कितना होगा, ओमेगा होगा V/R के बराबर। ओमेगा इज इक्वल टू V/R, इससे हमको ओमेगा मिल जाएगा। V कितना है 6, R कितना है इसका M3 का, जिस रेडियस में घूम रहा है वो है 3 के बराबर, 3 मीटर, तो 2 रेडियन पर सेकेंड। और ये ओमेगा सबके लिए कॉमन रहेगा, ओमेगा सबका कॉमन, R अलग होने से V अलग अलग होगा। तो M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो T3 बराबर क्या लिखना है हमको, उसका मास पार्टिकल का M3, उसकी रेडियस R3 जो कितनी है 3 मीटर इंटू ω², ये आ गया T3 का वैल्यू। इसको रट लेंगे, T3 इज डायरेक्ट, कभी किसी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इसमें टेंशन कितना है इस वाली रस्सी में, तो M3 R3 ω². अब इसकी बात करते हैं M2 की, दो फोर्सेस लग रहे हैं अलोंग रेडियस T2 और T3, लार्जर कौन सा होगा T2 माइनस T3, T2 और T3 का रिजल्टेंट ये रोल प्ले करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो T2 माइनस T3 इज इक्वल टू कितना, तो इसका मास M2, रेडियस R2 ω², एंड दिस गिव्स वैल्यू ऑफ T2, T2 कम्स आउट टू बी M2 R2 ω² प्लस T3 की वैल्यू ये है M3 R3 ω², तो दूसरा फॉर्मूला ये रट ले। तो तीसरा क्या आना चाहिए, T1 कितना आएगा, तो आएगा M1 R1 ω² प्लस M2 R2 ω² प्लस M3 R3 ω², उसको निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। T1 माइनस T2 विल यील्ड M1 R1 ω² क्लियरली। T1 इज ये टर्म आएगी और T2 आएगा, ये सब कुछ यानी M1 R1 ω² प्लस M2 R2 ω² प्लस M3 R3 ω²
तो एज अ प्रॉपर्टी इसको रट ले, एज अ प्रॉपर्टी इसको रट लेने से आंसर जल्दी आ जाया करेगा। दूसरा, आपको यह समझ में आ रहा होगा कि इसमें से T1 सबसे बड़ा है, T1 इज ग्रेटेस्ट, फिर नंबर आता है T2 का और फिर नंबर आता है T3 का। जैसे जैसे एक्सेस ऑफ रोटेशन से हम दूर जाते जाते हैं तो टेंशन कम होता जाता है, या इन अदर वर्ड्स क्लोजर द मास लार्जर इज द टेंशन, सबसे ज्यादा टेंशन यहां आएगा T1 पर। इसी तरह का क्वेश्चन रॉड के लिए भी आता है, तो एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूर जाएंगे तो टेंशन कम होने लगता है, ये याद रखेंगे। फिर आगे बढ़े, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके आंसर्स निकालने के लिए याद क्या आएगा, जैसे आपको T3 निकालेंगे सबसे पहले, T3 कितना होगा तो एग्जाम में याद आना चाहिए, M3 R3 ओमेगा स्क्वायर। M3 मतलब 100 ग्राम में है, वो किलोग्राम में कन्वर्ट किया, M3 R3 इज 3 मीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज 2, ये हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करना है, दो जीरोस कैंसिल, 12/10 यानी 1.2 न्यूटन, जल्दी आपका आंसर आ जाएगा और गलत नहीं आएगा, ये सबसे कम होगा। फिर T2 कितना होगा, तो T2 के लिए हमको एडिशनली क्या निकालना है, M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, M2 इज अगेन 100 अपॉन 1000 इनटू ये क्या है, M2 R2 इज 2, M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, और इसमें 1.2 न्यूटन और ऐड कर देना है तो हमको आंसर मिलेगा। ये दो जीरोस कैंसिल, 0.8 प्लस 1.2 गिव्स 2 न्यूटन, तो इस वाली रस्सी में 2 न्यूटन का टेंशन, इसमें कितना, इसमें है 1.2। कभी रेशो भी इनका पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो जल्दी आपको ये याद आ जाएगा। और T1 कितना होगा, तो अब हमको निकालना है M1 R1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जीरोस कैंसिल, 0.4 और इसमें ऐड करना है ना, 2.4 न्यूटन, तो आंसर से हमारे 1.2 इसमें, इस रस्सी में, उससे ज्यादा इसमें 2 और उससे ज्यादा इसमें 2.4, यानी जैसे जैसे एक्सेस ऑफ रोटेशन की तरफ चलेंगे तो टेंशन बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह का सवाल यदि एग्जाम में आता है तो ये फॉर्मूले आपके लिए बड़े यूजफुल होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन रॉड के लिए भी पूछा जाता है, उसको भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो अभी जो हमने रिजल्ट्स डिराइव किए उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करेंगे। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस एम एंड 3m आर फास्टन रिस्पेक्टिवली टू द मिड पॉइंट एंड वन एक्सट्रीमिटी ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग व्हिच इज लेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, द अदर एक्सट्रीमिटी इज फिक्स्ड, द पार्टिकल्स आर सेट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द रेशियो ऑफ टेंशन वुड बी। तो यह है वो स्ट्रिंग, मान लो इसकी लेंथ है एल, तो एक पार्टिकल स्मॉल m मास का इसके मिड पॉइंट पर टाई किया है और दूसरा पार्टिकल 3m मास का एक एक्सट्रीमिटी पर, दूसरी एक्सट्रीमिटी फिक्स्ड है। इन पार्टिकल्स को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेट किया, हमको बताना है रेशियो ऑफ टेंशन वुड बी। तो पहले इसका नाम लिया हुआ है m का, तो T1 अपॉन T2 हमको बताना है। हमको पता है कि एक्सेस ऑफ रोटेशन की तरफ बढ़े तो टेंशन बढ़ता जाता है ना, T1 इज ग्रेटर देन T2, इसका मतलब ये या फिर ये आंसर तो नहीं हो सकता। रेशो निकालना है T1 T2 का, T1 लार्जर होगा, यानी ऑप्शन या तो 2 करेक्ट है या फिर 4 करेक्ट है। तो यदि आपको तुक्का ही मारना होगा तो कम से कम इसे या इसे आंसर ना बताएं, इनमें से कोई एक आंसर करेक्ट है, इधर 2 और 4। अब सॉल्विंग कैसे करेंगे, तो ये कितनी होगी, यदि उस रस्सी की लेंथ L है तो ये लेंथ होगी L/2 और ये होगी L, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों का ओमेगा हमने यानी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सपोज कर लिया। तो पहले निकालते हैं हम T2, T2 कितना होगा, तो इसका मास 3m, इस पार्टिकल का उसकी रेडियस एम आर ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर, ये है वैल्यू T2 का। T1 कैसे आएगा, तो T1 में पहले इसका मास लेंगे m, फिर ये लेंथ L/2 एम आर ओमेगा स्क्वायर, उसमें ये ऐड कर देंगे 3m l ओमेगा स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें आगे, तो इसमें से m l ओमेगा स्क्वायर ये कॉमन, एम एल ओमेगा स्क्वायर कॉमन,
तो यहां बचेगा हाफ, और इसमें से भी हमने एम एल ओमेगा स्क्वायर कॉमन किया है, यहां आएगा प्लस 3, तो ये कितना हो गया 7/2 एम एल ओमेगा स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ टी वन। तो आप देख रहे हैं टी वन लार्जर है, यह 3 एम एल ओमेगा स्क्वायर और यह 3.5 एम एल ओमेगा स्क्वायर। हमको रेशो चाहिए टी वन अपॉन टी टू, तो टी वन इज 7/2 एम एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी टू इज दिस, तो 3 एम एल ओमेगा स्क्वायर, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7:6 हमारा आंसर होगा, एंड सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो कई बार ये होगा कि टी वन की वैल्यू ज्यादा होती है, टी टू की कम होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन बगैर सॉल्विंग के भी मिल जाएगा। तो इसको एक दो बार करके देखेंगे और इस फैक्ट को, इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।